जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज अली शान। तो आज हम बात करेंगे जो आर्ट काउंसिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उसमें जो हमारी बात हुई मारिया वास्ती साहिबा से, उन्होंने टोटल जो है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा। अब गवर्नमेंट को क्यों क्रिटिसाइज़ करा वो, अब आप हमारी ये जो उनसे हमने एक अलग से इंटरव्यू लिया था उसमें भी देखें, और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट से मुतालबात रखे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए गवर्नमेंट के सामने मुतालबा अपनी जो मुतालबात रखे गए, अब वो भी सुने आप, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या मुतालबात रखे। उन्होंने टोटल गवर्नमेंट को ही जो है रगड़ के रखा है, गवर्नमेंट को ही ब्लेम करती रही हैं कि गवर्नमेंट को ये चाहिए, गवर्नमेंट पाकिस्तान में सेफ कौन है। तो आए चलते देखते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट को किस तरह आड़े हाथों लिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और जो उन्होंने हमें जो क्लिप दिया है, जो वीडियो में पैगाम दिया है गवर्नमेंट को, आए अब वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ कि मारिया वास्ती ने गवर्नमेंट को किस तरह आड़े हाथों लिया और क्यों लिया और किस लिए लिया, ये आप उनकी जुबानी खुद सुने। इट्स एवरीवेयर। अपने घर को खराब कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को, अपने घर के लोगों को, और फिर वो आग फैला रहे हैं। सो यू नो ये सबका नुकसान, ओवरऑल नुकसान, एंड चेंज ऊपर से आएगा। यू नो चेंज विल कम जिनके पास पावर है और जो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, जो खुद तो बहुत सेफ बैठे हैं लेकिन यू नो दे नॉट कंसर्न विद व्हाट इज हैपनिंग विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। So this is about every citizen of Pakistani community. This is not about just actors या कोई एक नहीं। As a Pakistani, मेरा right है कि मैं अपने मुल्क में सेफ हूँ, और मुझे डर ना लगे कि आज मेरे साथ में घर पहुँचूंगी कि नहीं, मेरा चोरी हो जाएगा, स्नैच हो जाएगा। It's about you and all of us. और production house जो हमारा है, this is what we're saying कि इस production house ने उनको इतनी हिम्मत दी, बहुत हिम्मत दी ना, वो कटवाई गई है FIR, किसी चीज के खिलाफ एक स्टेप लिया गया है। पुलिस कह रही है मारिया जी कि अगर आप लोग इतनी हिम्मत ना करते तो हम ये 12-13 लोगों को, ये तो कोई बात ही नहीं थी। इस तरह तो शहर में पता नहीं मुल्क में कितने वाकयात हो रहे हैं। सही है। तो ये कमाल किया है कि जो इस वक्त हिम्मत करके तो डर खौफ निकालें, ये मैसेज पहुंचाएं, तो और आके मेरा खाली एक अच्छी बात।